हाय गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं आटा की बर्फी। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने पैन लिया है, फिर उसमें पानी डाला है, फिर चीनी। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए। हमें कोई तार नहीं बनाना इसका। फिर हम पैन लेंगे, उसमें आटे को ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक ये कलर चेंज ना कर दे, इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। ऐसे करने से बर्फी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए, इसने कलर चेंज कर लिया है हल्का सा। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। फिर हम पैन लेंगे, उसमें डालेंगे घी, उसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे काजू और बादाम डाल रही हूँ। इसे हम फ्राई करेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन तक। फिर हम इसे हटा लेंगे। फिर उसी पैन और उसी घी में हम डालेंगे अपना रोस्टेड आटा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डाल लेंगे हम इसमें चाशनी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बचे। फिर डाल लेंगे घी दोनों साइड से और इसे अच्छे से फिर मिक्स हो कर लेंगे। इससे क्या होता है ना कि बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और टेस्टी भी बनती है। अगर आपको ज़्यादा घी नहीं पसंद तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और फिर अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। फिर जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए ना, तो इसे प्लेट में निकाल के आप कोई भी शेप दे दें। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप दिया है। फिर हल्का सा ऊपर में डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और हल्के से प्रेस कर देंगे ताकि ये अपने प्लेस पे सेट हो जाए। फिर हम इसे छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट कर लेंगे। हमारा आटा का बर्फी रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। गाइस, टेक केयर।